जी आज हम खेल रहे हैं कसौटी जिंदगी की। मेरे साथ हैं इमामुल हक और ये गैस करेंगे कि कौन सा वो बंदा है। पांच क्लू दूंगा मैं और ये गैस करेंगे हमारी टीम में से। हाँ तो टीम और मैंने कौन सी टीम से आपको पूरा क्लियरिटी से बताना चाहिए जी। हमारी टीम में से हम एक बंदा चूज करेंगे और हम उनको एक्शंस करेंगे, उनके एक्शंस करेंगे और फिर बाबर आजम और हम गेस्ट करेंगे। पहले बाबर पहले इमामुल हक प्लीज। अच्छा मुझे एक मिनट चाहिए सोचने। आपको दो ले लें। अच्छा सोच लिया? सोच लिया। मैंने नहीं सोचा। सोच लिया मैंने। अच्छा भाई यार इतना आसान है तुम्हें तो पहले भी पता चल जाएगा लेकिन मैं मुश्किल बताऊंगा। एक्सट्रीमली टैलेंटेड लेजी एलिगेंस। अरे भाई मैंने आपको कहा था कि इसको दो मिनट में पता चल जाएगा। वेल एंड बाबर आजम थैंक यू माइक। गुड जजमेंट आपकी माशाल्लाह। एक्सट्रीमली टैलेंटेड हारिस सोहेल का मैंने नाम लिया था जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और मैंने सिर्फ यही कहा था एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड लेजी। तो बाबर ने बिल्कुल सही गेस किया। नाउ ओवर टू बाबर आजम। पाकिस्तान में से? हाँ जी। युगांडा का ना दे? युगांडा नहीं जाता मैं। अच्छा सोच लिया। बताओ। काफी सॉफ्ट है ना वो। काफी क्या है? सॉफ्ट। कहीं वो फास्ट बॉलर तो नहीं? जी। कहीं वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो नहीं? दो फास्ट बॉलर ना लेफ्ट आर्म। आप किसकी बात करें आप बताएं। जो काफी सॉफ्ट है। जी मोहम्मद आमिर की तो बात नहीं कर रहे हो। शुरू से सॉफ्ट है उनको हल्की बॉल लग जाए ना वो थोड़ा सा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने टीम को कितना अच्छा सा जानते हैं कि एक हल्का सा क्लू देते हैं तो फौरन जो है अगला प्लेयर पहुंच जाता है कि भाई आप इस प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो आई गेस इट्स वेरी गुड कि इतने अच्छे प्लेयर्स को हम जानते हैं। हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। कॉम्बिनेशन सबके साथ बहुत अच्छी है। फ्रेंडशिप जो है हमारी ऐसा नहीं है। सबके साथ बहुत अच्छी है कि एक के साथ अच्छी है। सबसे ही जो है हम घुल मिल के हंस के रहते हैं क्योंकि एक ही एज के काफी जो है मेजोरिटी एक ही प्लेयर्स की है, एक ही एज के ग्रुप है तो बड़ा मजा आता है। तो इसलिए हम आप देख रहे होंगे कि हम इतना अच्छा जो है गेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वेल डन इमामुल हक। डर क्यों गए हो? मैं कहता हूं मार रहे हो तुम। नहीं वेल डन बाबर आजम। थैंक यू माय।